अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हो सकता है कि आप पूरी वीडियो नहीं देखना चाहोगे, तो दो टाइम स्टैम्प्स ऐसे हैं जो काफी क्रिटिकल हैं, और अगर आप एक कैट एस्पिरेंट हो तो उनको जरूर देख लेना, आपकी हेल्प होगी। बाकी सबके लिए हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, आई थॉट कि ये वीडियो बनाना बहुत ही आसान होगा, सो आई विल बी एबल टू मेक इट वेरी इजिली, बट जब मैंने फ्री रिसोर्सेज देखने शुरू किए, लिटरली इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन कि अगर कोई चाहे ना तो खुद से कैट की प्रिपरेशन कर सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, यही समझ में नहीं आता है कि कौन से रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है और कौन से रिसोर्सेज वर्थ स्किपिंग है। तो मेरा काम इस पूरी वीडियो के एंड तक सिर्फ एक ही होगा कि मैंने आपके लिए उस इन्फॉर्मेशन को डीक्लटर करके प्रेजेंट करना है, ताकि आप सिर्फ एक क्लिक से ये समझ पाओ कि कहाँ से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से मॉक्स देने हैं और बाकी सब चीज़ें भी। एवरीथिंग दैट आई एम गोइंग टू मेंशन इन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। नन ऑफ द brands that I'm going to mention have sponsored this video. Everything that I'm mentioning is absolutely my own research, but at the same time, a small section of this video is sponsored by Unacademy. और वो भी मैं बहुत proudly उनका नाम लूंगी, because वो बहुत ही अच्छा resource provide कर रहे हैं। अगर आप एक cat aspirant हो और आप अभी तैयारी कर रहे हो, तो आपको तो नहीं पता ना कि आप सब में कहाँ पे rank कर रहे हो। बाद में पता लगे उससे अच्छा अभी अपनी standing पता कर लो ना। तो Unacademy एक फ्री टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है जो कि कैट के ऊपर बेस्ड होगा, उससे थोड़ा छोटा होगा, लेकिन जब आप उस टेस्ट को दोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि आपका रैंक क्या है अभी नेशनली, क्या परफॉर्म कर रहे हो आप कैट में। साथ ही साथ वो आपको एनालिसिस भी देंगे जहां आप ये पता कर सकते हो कि आपके कौन से क्वेश्चन ज्यादा वीक हैं या कौन से टॉपिक ज्यादा वीक हैं। तो रिपीटर्स के लिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट इस टेस्ट को देने का एक और बेनिफिट है कि जो टॉप रैंकर्स हैं उनको ना सिर्फ 100% स्कॉलरशिप मिल रही है, काफी सारे गुडीज और मैकबुक जैसे गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं। तो देने में कुछ नहीं जाता है। 24th of April 12:30 to 2:30 मेरा कोड है SACAT10। तो एनरोल करते हो उसे समय यूज करोगे तो शायद उनको लगेगा कि ढंग की प्रमोशन की है, बाकी आपकी मर्जी है। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहली चीज आपको क्या रिक्वायर्ड होगी, कॉन्सेप्ट वीडियोस। आपको चाहिए कि पूरा का पूरा सिलेबस जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, उसके लिए कॉन्सेप्ट्स कहाँ से पढ़ सकते हो। मैंने सोचा था कि जब मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगी ना तो मुझे बहुत डिफिकल्टी आएगी ऐसा रिसोर्स ढूंढने के लिए, बट लिटरली मेरे कानों को हाथ लगे हैं। रवि सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, थैंक यू सो मच इतना बड़ा रिसोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए। सो रवि प्रकाश सर अनअकैडमी के एक एडुकेटर हैं, लेकिन रोधा करके उनका एक चैनल है। रोधा चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है जहां उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा कैट का सिलेबस डाल रखा है, एंड मैं आपको बता नहीं सकती ऐसी वीडियोस ना आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी नहीं मिलती हैं। वैसे तो रवि सर ने बहुत अच्छा काम किया है प्लेलिस्ट बना के, पर मैंने वो एक्सेल शीट में थोड़ा और फाइन ट्यून कर दिया उसको, ऐसा समझ लो कि बेसिकली आपको ये पता लग जाएगा हर चैप्टर में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 क्या देखना है, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर आपके पास आ जाएगा। और इसके अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टैब्स भी चेक करोगे तो आप उसमें ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बाकी के रिसोर्सेज जो मैं मेंशन करने वाली हूँ उनको कहाँ से एक्सेस करना है। तो सिर्फ एक लिंक है, ओपन टू एवरीबडी, नो साइन अप रिक्वायर्ड, नथिंग रिक्वायर्ड, फील फ्री टू यूज इट, इट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। वैसे तो रवि सर ने तीनों सेक्शन की प्लेलिस्ट बना रखी है, लेकिन मैंने वर्बल के लिए हरप्रीत कौर मैम की एक प्लेलिस्ट ऐड की है जो मुझे लगा कि काफी ज्यादा और रिफाइंड है, उसमें सारे के सारे टॉपिक्स भी कवर्ड है, सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। अगर आप चाहो तो एक और प्लेलिस्ट है जो मैं उसी लिंक में ऐड कर दूंगी, तो बेसिकली आपके पास वैरायटी हो जाएगी, आप तीनों में से चाहो तो कोई एक पिक कर सकते हो बेसिस की पहली वीडियो आपको किसकी अच्छी लगती है, तो वो आपके ऊपर। ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअल मटेरियल। अब आपके पास आता है क्वेश्चन बैंक। अगर आपको ये समझना हो कि आप क्वेश्चंस कहां से करोगे, तो उसके लिए मैं पहला रिकमेंडेशन आपको ये दूंगी कि क्वांट के केस में खास करके आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझो कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं। कभी कभी जब हम किसी को देखते हैं ना सॉल्व करते हुए, तो हमें समझ में आता है कि अच्छा ट्रिक्स और फॉर्मूलाज का यूज कैसे किया जाता है। सो उसके लिए भी रवि प्रकाश सर की प्रॉपर डेडिकेटेड हर एक टॉपिक के लिए, फॉर एग्जाम्पल एलजेब्रा, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, इनके लिए प्रॉपर वीडियोज हैं। उन वीडियोज को मैं यहाँ पे लिंक करूंगी एक अलग टैब में। यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे जहाँ आप वीडियो सॉल्यूशंस को देख देख के प्रैक्टिस करोगे। बेसिकली वो क्वेश्चन बताएंगे तो आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, बट फिर देखना कि वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उससे आपको हेल्प होगी। बट दैट डजंट स्टॉप हियर, क्योंकि उसके बाद आपको खुद की प्रैक्टिस भी तो करनी है। उसके लिए मैंने कुछ रिसोर्सेज निकाले हैं तीनों सेक्शंस के लिए। सो एक वेबसाइट है बोधी प्रेप करके, उनके यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। सो बोधी प्रेप का क्वांट, BARC, DILR तीनों का रिसोर्स काफी एक्सटेंसिव है, 100+ क्वेश्चंस अवेलेबल है मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स के लिए, विच आई बिलीव इज अ वंडरफुल रिसोर्स। सिमिलरली बाकी सेक्शंस के लिए अलग अलग वेबसाइट्स पे काफी मटेरियल अवेलेबल है जो कि मैं आपको लिंक कर दूंगी,
2IIM है, क्रैकू है, असेंट एजुकेशन है, अनअकैडमी की खुद की वेबसाइट पे काफ़ी प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल है, उन सबको भी आप यूज़ कर सकते हो, सबके लिंक आपको उस एक्सेल शीट में मिल जाएंगे। तो आई होप कि इस पॉइंट के बाद आपके पास एटलीस्ट प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारा मटेरियल होगा। तो आपको ये शायद जान के अजीब लगेगा, बट जितना मटेरियल हमें टाइम एजुकेशन, मैंने टाइम से कोचिंग ली थी, जितना मटेरियल वहाँ मिलता था ना प्रिपरेशन करने के लिए, ये सारा मटेरियल अगर आप क्लब कर दोगे ना तो उससे काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर स्टिल किसी को लगता है कि ये मटेरियल मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है या फिर कि ये मटेरियल आगे फ्यूचर में अवेलेबल नहीं रहता है, इन दैट केस आप एक बुक्स का बंडल परचेज कर सकते हो, जो मैंने भी परचेज किया था। 2800 के आसपास का कॉस्ट पड़ेगा एट द टाइम ऑफ व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। अरुण शर्मा सर की चार बुक्स आती हैं, चारों का बंडल आप खरीद सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वो बुक आपके लिए एक एक्सटेंसिव रिसोर्स बन के रहेगी कि आप उससे भी प्रिपेयर कर सकते हो। दैट्स दी ओनली पेड रिसोर्स दैट आई वुड रिकमेंड इन दिस वीडियो। सो होपफुली इसके बाद आपके पास काफी रिसोर्सेज आ जाएंगे, बोथ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए और साथ ही साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। अब नेक्स्ट चीज इसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी वो है एक फॉर्मूला बुक। आपको ये पता होना चाहिए कि सारी की सारी प्रिपरेशन जो आप कर रहे हो उसको कंपाइल करके, जैसे इस वीडियो में मैं डीक्लटर कर रही हूँ, आपको भी अपनी प्रिपरेशन को डीक्लटर करना है और एक फॉर्मूला बुक मेंटेन करनी है। फॉर्मूला बुक कैसे बनाई जाती है, उसके लिए मैं तीन फॉर्मूला बुक्स रिकमेंड करूंगी जो कि उस एक्सेल शीट में होगी। उनमें से एक मेरी खुद की फॉर्मूला बुक है जो मैंने अपने कैट के प्रिपरेशन के समय बनाई थी, दूसरी फॉर्मूला बुक अरुण शर्मा सर की है जो अनअकैडमी ने फ्री ऑफ कॉस्ट एक बार एक वीडियो में हमें प्रोवाइड की थी, और तीसरी तथागत इंस्टीट्यूट की है जो उनकी वेबसाइट पे भी अपलोडेड है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। अभी यहां तक तो सब सही है, अब आप बोलोगे कि मैं पढ़ाई तो कर लूंगा लेकिन मेरे डाउट्स कौन सॉल्व करेगा। तो उस चीज़ के लिए मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल के स्टोरी में एक क्वेश्चन पूछा था कैट एस्पिरेंट्स को कि आप कौन से टेलीग्राम ग्रुप्स का पार्ट हो। सो सब लोग ना मुझे बोलते रहते थे कि आप अपने चैनल का ना एक टेलीग्राम ग्रुप बना दो, वहाँ पे हम डाउट्स डाला करेंगे। तो आई थॉट कि शायद ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप्स होंगे ऐसे जहाँ डाउट सॉल्व होते हैं, एंड लिटरली मैंने ना सबसे बड़ी गलती की टेलीग्राम इंस्टॉल करके, इतना ज़्यादा क्लटर है वहाँ पर, लाइक लिटरली दीन दुनिया की बातें होती हैं कैट के ग्रुप में। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा ग्रुप है और कोई भी बच्चा इसका पार्ट क्यों बनना चाहेगा। हमारे प्रिपरेशन के समय में ना पागल गाय नाम की एक वेबसाइट होती थी, तो हम उस पर भी बहुत कम टाइम स्पेंड करते थे, सिर्फ इसी रीजन की वजह से, क्योंकि इतना ज्यादा क्लटर होता है कि आप पढ़ाई कब करोगे अगर वो सब पढ़ते रहोगे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी भी टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट हो, नो डाउट वहां पर बहुत अच्छी अच्छी बातें भी होंगी बट बहुत सारी फालतू बातें भी होंगी, तो प्लीज अपने टाइम को ना जुडिशियसली यूटिलाइज करो। एटलीस्ट ऐसे ग्रुप्स तो डेफिनेटली एग्जिट कर दो जहां दीन दुनिया की बातें होती हैं और डाउट सॉल्विंग नहीं होती है। सो मैंने कुछ रिसर्च की थी कि कौन से ग्रुप्स अच्छे हैं, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और उनके सामने एग्जैक्टली ये भी लिख दूंगी कि उस ग्रुप में बातें कैसी होती हैं। तो अगर किसी ग्रुप में सिर्फ रिसोर्सेज अच्छे मिलते हैं तो वो भी लिख दूंगी, अगर किसी ग्रुप में डाउट्स अच्छे सॉल्व हो रहे हैं लेकिन बाकी बातें भी एक्स्ट्रा कचरा है वो भी लिख दूंगी, लेकिन अगर किसी ग्रुप में स्पेसिफिकली डाउट्स ही सॉल्व हो रहे हैं तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, वहां ज्वाइन कीजिए। आई वुड पर्सनली रिकमेंड टू ज्वाइन नॉट अ लॉट ऑफ ग्रुप्स, मैक्सिमम वन और टू ग्रुप्स जहां पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। प्लीज अपनी लाइफ को ना थोड़ा डीक्लटर करके रखो। तो लो जी, अब हमारे डाउट भी सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, सेक्शनल टेस्ट। सो सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो शायद अभी के टाइम पे आपको उतनी ज्यादा नहीं होगी, पर जैसे जैसे आपके बेसिक्स क्लियर होते जाएंगे आपको सेक्शनल टेस्ट की भी जरूरत पड़ेगी और आपको मॉक टेस्ट की भी जरूरत पड़ेगी। अब TCY ऑनलाइन करके एक वेबसाइट है जहां पर फ्री में सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं और बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट हैं, DILR, क्वांट्स, वर्बल तीनों के लिए मिल जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्स के भी टेस्ट हैं। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उसको यूज करके फ्री टेस्ट दो। उसके अलावा कुछ और वेबसाइट्स हैं जहां पर ना कुछ कुछ मॉक्स फ्री हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन फ्री है बट कुछ कुछ मॉक्स हैं, जैसे 5 मॉक्स मिल गए, 6 मॉक्स मिल गए, तो उनके लिंक्स और कितने मॉक्स फ्री हैं वो भी मैं एक्सेल शीट में डाल दूंगी। तो यहां पर आके हमारे सेक्शनल टेस्ट और मॉक्स भी खत्म हो जाते हैं। सो आई थिंक ब्रॉडली अगर मैं देखूँ ना, मुझे लगता है कैट प्रिपरेशन में यही सब होता है। आपको एक फॉर्मूला बुक चाहिए, आपको कैट का सिलेबस चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस चाहिए, आपको प्रिपरेशन करने के लिए क्वेश्चन बैंक चाहिए और आपको मॉक टेस्ट चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि इतना ही होता है, लेकिन अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप कमेंट्स में डाल देना, हम उसके बारे में भी एक वीडियो बना सकते हैं। और अगर इस वीडियो को देखने वाले किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरे एक्सेल शीट में कुछ मिसिंग है और कोई बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है जो वो जानते हैं और वो बाकियों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप उसको भी कमेंट्स में डाल सकते हो, मैं उसको एक्सेल शीट में वेरीफाई करने के बाद ऐड कर दूंगी। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो ना मेरे लिए, तो सिर्फ मैं एक चीज मांगूंगी आपसे कि उन लोगों के लिए जो आपके लिए फ्री में रिसोर्सेज अरेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रवि प्रकाश सर, बोधी प्रेप जैसी वेबसाइट्स,
अकेडमी जो टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो. लाइक आई कांट इवन टेल यू कि मुझे कितना अच्छा लगा था सर की प्लेलिस्ट देख के या वेबसाइट्स देख के जहाँ पे इतना सारा इन्फॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है. आई फेल्ट अमेजिंग. सो दैट्स ऑल आई वुड से. आई होप कि आपकी प्रिपरेशन थोड़ा बेटर हो जाए विद दीज रिसोर्सेज. इफ यू लाइक दिस वीडियो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.